किस्सा टीवी की इस पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं, तो आपको हॉरर फिल्में भी काफी पसंद आती होंगी, और अगर आप भारतीय हॉरर फिल्में देखते होंगे तो इस चेहरे से भी आप बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। 80 और 90 के दशक में भारत में बनने वाली तकरीबन हर हॉरर फिल्म में ये चेहरा नजर आ ही जाता था। ये चेहरा इतना खौफनाक था कि इसे एक दफा देखने के बाद कईयों को तो रातों को ठीक से नींद तक नहीं आती थी। आज हम आपको इसी चेहरे के भूत बनने का किस्सा सुनाएंगे, जो बेहद दिलचस्प है। 20 दिसंबर 1949, देहरादून के विकास नगर में एक बच्चे का जन्म हुआ। माँ बाप ने नाम दिया अनिरुद्ध। 10 भाई बहनों में 8वें नंबर पर पैदा हुए अनिरुद्ध के पिता देहरादून के पहाड़ी बाजार में आलू और राजमा के डीलर थे। अनिरुद्ध का पूरा नाम था अनिरुद्ध अग्रवाल। 1967 में अनिरुद्ध ने घर के पास ही मौजूद आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज से 12वीं पास की। 12वीं पास करने के बाद अनिरुद्ध पहुंचे अपने शहर देहरादून के श्री गुरु राम रॉय कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई करने। घर से कॉलेज 40 किलोमीटर दूर था, सो पिता से इजाजत लेकर इन्होंने कॉलेज के पास ही किराए पर कमरा ले लिया। लंबे डील डोल के चलते कॉलेज में इनकी अच्छी खासी चलती थी। ये छात्र राजनीति में भी एक्टिव हो गए। इसी दौरान फिल्म विश्वास की शूटिंग करने जितेंद्र और अपर्णा विश्वास देहरादून आए। नौजवान अनिरुद्ध अपने दोस्तों के साथ जितेंद्र को देखने के लिए उनके होटल पहुंच गए। होटल पहुंचे तो देखा वहां तो जबरदस्त भीड़ लगी थी। उस भीड़ को देखकर अनिरुद्ध ने फैसला किया कि वो भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही काम करेंगे कि उन्हें देखने के लिए लोग भीड़ लगा लें। फिल्मों का शौक तो इन्हें बचपन से था ही, और जितेंद्र के प्रति लोगों की दीवानगी देखकर फिल्मों का इनका शौक अब दीवानगी में बदलने लगा। अनिरुद्ध ने फैसला कर लिया कि वो हीरो बनेंगे, लेकिन इनके पिताजी सख्त थे। ये जानते थे कि अगर पिताजी से कभी ये बात बताई तो बेहद डांट पड़ेगी, मार भी पड़ सकती है। इसीलिए अपनी ख्वाहिश को दिल में चुपचाप लेकर ये सही वक्त का इंतजार करने लगे। अनिरुद्ध ने कॉलेज में होने वाले इवेंट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो नाटकों में भाग लेने लगे, लेकिन इसी दौरान इनका सिलेक्शन रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, वही कॉलेज जो आज आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। अनिरुद्ध इंजीनियरिंग करने रुड़की आ गए, और यहाँ भी उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेना नहीं छोड़ा। रुड़की में इंजीनियरिंग का पहला साल तो आसानी से गुजर गया, लेकिन दूसरे साल में मुसीबत आ गई सप्लीमेंट्री के रूप में। अपनी इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में सप्लीमेंट्री आने से अनिरुद्ध को काफी झटका लगा था। उन्होंने कॉलेज में छुट्टी की अपील की, ये कहते हुए कि आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें पैसे कमाने हैं। कॉलेज ने भी इन्हें छुट्टी दे दी, लेकिन ये घर जाने के बजाय सीधा पहुँच गए मुंबई। मुंबई में ये उतरे दादर स्टेशन पर, और जैसे तैसे इन्होंने अपने एक पुराने परिचित का घर ढूंढा, जो कभी देहरादून में ही इनके पास रहा करता था। वहां कुछ दिन रहने के बाद अनिरुद्ध पहुंच गए अपने बड़े भाई के एक दोस्त के घर। इस पूरे वाकये के दौरान अनिरुद्ध के घर वाले सिर्फ इतना ही जानते थे कि उनका लड़का कॉलेज से भाग गया है। उन्हें जरा भी इस बात का इल्म नहीं था कि अनिरुद्ध फेल हो चुके हैं। उधर मुंबई में अनिरुद्ध अपने दोस्त के भाई के घर रहते रहते बोर होने लगे थे, और उन्हें शर्मिंदगी भी होने लगी थी। सो अनिरुद्ध ने वो घर छोड़ दिया और एक गेस्ट हाउस में रहने आ गए। लेकिन कुछ दिनों बाद जब सारे पैसे खत्म हो गए तो अनिरुद्ध को वो गेस्ट हाउस भी छोड़ना पड़ गया। गेस्ट हाउस छोड़ने के बाद अनिरुद्ध बड़ी मुसीबत में आ गए। ना तो उनके पास खाने के लिए कुछ था, और ना ही उनके सिर पर छत थी। कई रातें स्टेशन पर अनिरुद्ध ने भूखे पेट ही गुजारी। लेकिन एक दिन उसी स्टेशन पर अनिरुद्ध को नजर आया अपने कॉलेज का एक सीनियर। अनिरुद्ध तुरंत उसके पास पहुंच गए। उस सीनियर ने अनिरुद्ध की हालत देखी तो वो समझ गया कि माजरा क्या है। उसने तुरंत एक ट्रेन की टिकट खरीदी, और वो अनिरुद्ध को अपने साथ अपने घर मेरठ ले आया। मेरठ में अपने घर लाकर उस सीनियर ने अनिरुद्ध को नहलाया और दूसरे कपड़े दिए, और खाना खिलाकर भेज दिया वापस अपने घर देहरादून। अनिरुद्ध देहरादून तो आ गए, लेकिन फिल्मों में काम करने की दीवानगी इनके सिर पर अब भी छाई हुई थी। अनिरुद्ध ने अब की बार थोड़ी अलग तरह से तैयारी करनी शुरू कर दी। अनिरुद्ध ने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया। इनका इंटरव्यू और ऑडिशन हुआ मुंबई में। अनिरुद्ध का इंटरव्यू करने आए पैनल में मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती भी थे। इंटरव्यू के दौरान अपनी बातों से अनिरुद्ध ने मिथुन को इतना इम्प्रेस कर दिया कि इंटरव्यू के खत्म होने तक मिथुन से इनकी तगड़ी दोस्ती हो चुकी थी। अनिरुद्ध का सिलेक्शन पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए हो गया।
लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। घर वालों ने अनिरुद्ध को धमकी दी कि उन्हें इंजीनियरिंग ही करनी पड़ेगी और अगर इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी नहीं की तो घर से उन्हें एक पैसे की भी मदद नहीं मिलेगी। मजबूरी के मारे अनिरुद्ध को हार कर मुंबई फिर से छोड़नी पड़ी और वापस रुड़की अपने कॉलेज में लौटना पड़ा। 1974 में अनिरुद्ध रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियर बनकर पास आउट हुए। अनिरुद्ध को डिग्री भी मिल गई, लेकिन मसला ये था कि कॉलेज में जमकर धमा चौकड़ी मचाने वाले अनिरुद्ध की डिग्री के डिसिप्लिन बॉक्स में 0 लिखा था। अनिरुद्ध को लगा कि शायद अब उन्हें कोई नौकरी नहीं देगा और अनिरुद्ध फिर से मुंबई आ गए। इस दफा अनिरुद्ध अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरे। उस दोस्त की मदद से अनिरुद्ध मुंबई के बिल्डर्स के साथ कंस्ट्रक्शन के काम में लग गए। 6 फीट 4 इंच लंबे अनिरुद्ध ने एक दिन गौर किया कि लोगों ने उनसे डरना शुरू कर दिया है और लोग उनके पास ज्यादा ठहरते नहीं हैं। अनिरुद्ध समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। फिर एक दिन शीशे के सामने अपने आप को निहारते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर के हिस्से अपने आप बड़े होने लगे हैं। अनिरुद्ध ने देखा कि उनके कान, नाक, पैर और उंगलियां अचानक से और ज्यादा बढ़ने लगे हैं। ये देखकर अनिरुद्ध घबरा गए और तुरंत डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने जांच करके अनिरुद्ध को बताया कि उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है और इसी वजह से उनके शरीर के अंग फैलने लगे हैं। अनिरुद्ध अपना इलाज करा ही रहे थे कि इसी दौरान उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उस आदमी ने अनिरुद्ध से कुछ देर बात करने के बाद अचानक ही पूछा कि क्या तुम फिल्मों में काम करना पसंद करोगे। शुरुआत में तो अनिरुद्ध को लगा कि शायद ये आदमी उनका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें एहसास हो गया कि वो आदमी सीरियसली उनसे पूछ रहा था। बस फिर क्या था, एक्टर बनने का अनिरुद्ध का पुराना सपना एक बार फिर से हिलोरे मारने लगा। अनिरुद्ध ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल करूंगा। उस आदमी ने अनिरुद्ध से कहा कि उनको जल्द से जल्द राम से ब्रदर्स से जाकर मिलना चाहिए। उसके कहने पर अनिरुद्ध अगले ही दिन राम से ब्रदर्स के ऑफिस पहुंच गए और फिर जो अनिरुद्ध के साथ वहां हुआ उसके बारे में तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस दौर में राम से ब्रदर्स की जोड़ी अपनी हॉरर फिल्मों के लिए मशहूर थी। अनिरुद्ध से मिलने से पहले राम से ब्रदर्स ने 2 गज जमीन के नीचे और कौन वो दरवाजा नाम की फिल्में बनाई थी। पुराना मंदिर नाम की उनकी एक फिल्म की शूटिंग भी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, केवल शैतान वाला हिस्सा शूट करना बाकी था। राम से ब्रदर्स को पुराना मंदिर में शैतान के रोल के लिए एक ऐसे शख्स की तलाश थी जिसकी काया दिखने में एकदम शैतान जैसी ही हो। इसी बीच अनिरुद्ध उनके ऑफिस पहुंच गए। जैसे ही राम से ब्रदर्स ने अनिरुद्ध को देखा वो खुशी के मारे पागल हो उठे। पुराना मंदिर के शैतान वाले सीन्स के लिए जिस भयानक चेहरे की तलाश में वो कई दिनों से थे और लगभग हार मानने वाले ही थे, अनिरुद्ध को देखते ही उन्हें यकीन हो गया कि उनकी तलाश अब खत्म हो गई है। पुराना मंदिर आखिरकार 1984 में रिलीज हो गई और सुपरहिट रही। फिल्म में अनिरुद्ध के शैतानी किरदार का नाम था सामरी और ये किरदार लोगों को बेहद पसंद आया था। ये कैरेक्टर इतना मशहूर हुआ था कि इसी को सेंट्रल में रखते हुए राम से ब्रदर्स ने सामरी 3D नाम से एक और फिल्म बना दी। उन दिनों अनिरुद्ध फिल्मों में अपना नाम अजय अग्रवाल लिखाया करते थे। उन्हें लगता था कि अनिरुद्ध नाम काफी भारी भरकम है और लोगों को शायद ये नाम आसानी से याद भी ना रहे। ये भी अनोखी बात है कि जिस राम से ब्रदर्स की जोड़ी ने अनिरुद्ध को फिल्मों में काम दिया उनके साथ इन्होंने केवल 3 फिल्मों में ही काम किया था। अनिरुद्ध ने फिल्मों के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी शुरू कर दिया था और इसी दौरान शेखर कपूर ने फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए अनिरुद्ध को भी अप्रोच किया। इतने बड़े डायरेक्टर की फिल्म में काम करने का मौका भला अनिरुद्ध कैसे छोड़ पाते, इसीलिए राम से ब्रदर्स का साथ छोड़ते हुए अनिरुद्ध बैंडिट क्वीन का हिस्सा बने और फिल्म में उन्होंने बाबू गुज्जर का रोल निभाया था। इस बात से तो बेहद कम लोग वाकिफ हैं कि अनिरुद्ध ने जंगल बुक नाम की एक हॉलीवुड फिल्म में भी काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के लिए अनिरुद्ध 3 महीनों के लिए अमेरिका भी गए थे। ये फिल्म बनाई थी स्टीफन समर्स ने और अनिरुद्ध ने इस फिल्म में तबाकी का रोल किया था। इसके बाद अनिरुद्ध को उस शख्सियत के साथ काम करने का मौका मिला जिससे प्रेरित होकर उन्होंने फिल्मों में काम करने का ख्वाब बुना था। जी हाँ, जितेंद्र। अनिरुद्ध ने जितेंद्र के साथ फिल्म मर मिटेंगे में काम किया था। इस फिल्म में मिथुन भी थे जिनसे अनिरुद्ध की काफी अच्छी बनती थी।
अपने फिल्मी करियर में अनिरुद्ध ने अमिताभ बच्चन के साथ आज का अर्जुन और जादूगर फिल्म में काम किया था, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ राम लखन में काम किया, आमिर खान के साथ मेला फिल्म में इन्होंने काम किया जिसमें इनके रोल को काफी पसंद किया गया था, और इसके अलावा अक्षय कुमार के साथ फिल्म तलाश में भी इन्होंने काम किया था। अनिरुद्ध की आखिरी फिल्म थी साल 2007 में रिलीज हुई बॉम्बे टू गोवा। अनिरुद्ध की शादी का किस्सा भी दिलचस्प है। जब इनका कंस्ट्रक्शन का काम चलने लगा तो घर वालों ने इन पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। घर वालों की जिद को अनिरुद्ध ने मान लिया और शादी के लिए हाँ कर दी। सहारनपुर की लड़की नीलम को अनिरुद्ध के घर वालों ने इनके लिए चुन लिया। शादी से पहले ना तो अनिरुद्ध ने कभी अपनी बीवी को देखा था और ना ही उनकी बीवी ने इन्हें। इनके दो बच्चे हुए। हॉलीवुड फिल्म जंगल बुक में काम करने के बाद इनके पास और भी ढेरों तगड़े ऑफर्स हॉलीवुड से आए थे, लेकिन अपने बच्चों की खातिर इन्होंने वो सारे ऑफर्स ठुकरा दिए। इनका बेटा असीम अग्रवाल 2006 में आई फिल्म व्हाइट क्लब मेंबर्स ओनली में काम कर चुके हैं। वहीं इनकी बेटी कपिला ने भी 2005 में आई बंटी और बबली में काम किया है। बाद में ये दोनों अमेरिका पढ़ाई करने चले गए और फिर शादी करके वहीं पर सेटल भी हो गए, जबकि अनिरुद्ध आज भी अपनी पत्नी के साथ मुंबई में ही रहते हैं। मेला फिल्म के बाद अनिरुद्ध भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ बतौर सिविल कंस्ट्रक्टर जुड़ गए थे। इस काम में अनिरुद्ध इतने बिजी हो गए कि फिल्मों से उनकी दूरी बढ़ने लगी। मेला के बाद इनकी दो तीन फिल्में और रिलीज हुई थी और आखिरकार अनिरुद्ध ने फिल्मों से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बिजी होने के अलावा अनिरुद्ध के पास फिल्में छोड़ने की एक और वजह थी। अनिरुद्ध ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें अपनी फिल्में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उस इंटरव्यू में अनिरुद्ध ने कहा था, मजा नहीं आता, मैं तो कुछ अलग करना चाहता था जहां मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती, लेकिन किसी को भी ये नहीं लगा कि मैं इस तरह के रोल से अलग भी कुछ कर सकता हूं। कोई भी मुझे एक नॉर्मल इंसान के तौर पर अपनी फिल्मों में नहीं लेता था। सामरी और नेवला अनिरुद्ध के निभाए दो सबसे ज्यादा पसंद किए गए कैरेक्टर्स थे, लेकिन अनिरुद्ध को अपने ये कैरेक्टर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। बकौल अनिरुद्ध, वो एक पब्लिक फिगर थे और एक दिन पब्लिक में ही कहीं खो गए।